चलिए लखनऊ से आ रही है एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट बंद, दीवार फांदकर बिल्डिंग के अंदर घुसे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रशासन और पुलिस ने अखिलेश के आने पर लगा रखी थी रोक, लेकिन दीवार फांदकर पूर्व सीएम अंदर दाखिल हुए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट बंद, लेकिन दीवार फांदकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए अखिलेश यादव। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जद्दोजहद यहां पर देख सकते हैं की गई। सपा के कार्यकर्ता बड़े तादाद में यहां पर इस सेंटर के बाहर मौजूद थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दीवार फांदकर अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उनके प्रवेश पर रोक लगा रखी थी, तो दीवार फांदकर बिल्डिंग के अंदर घुसे अखिलेश यादव। प्रशासन और पुलिस ने अखिलेश के आने पर लगा रखी थी रोक। एक प्रकार से उन्होंने आदेशों का उल्लंघन करते हुए दीवार को फांदा और अंदर दाखिल होकर माल्यार्पण किया है जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर। कबीरदास बल्होत्रा यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से आज अखिलेश यादव जो है गेट को अंदर फांद कर उन्हें जाना पड़ा माल्यार्पण करने के लिए, आखिर क्यों रोका गया उन्हें? समाजवाद के पुरोधा, संपूर्ण क्रांति के महानायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और हम लोगों ने इस जेपी इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करी बनाया और यहाँ जयप्रकाश नारायण जी की हमने मूर्ति लगवाने का काम किया। आज उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भाजपा की सरकार ने, पुलिस ने बलपूर्वक रोकने का काम किया, इसलिए हम लोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गेट को फान करके गए और माल्यार्पण करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, दमन और जुल्म से, तानाशाही से हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। ये जेपी सेंटर भाजपा की सरकार अडानी के हाथ बेच रही है, जैसे लाल किला बेच दिया, जैसे LIC बेच दी, जैसे बैंक बेच दिए, जैसे रेलवे बेच दी, जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, जैसे एयरलाइंस बेच दी, वैसे ही ये जेपी सेंटर को अडानी के हाथ बेचने की तैयारी पूरी हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पर संकल्प किया है, चाहे अपनी जान दे देंगे लेकिन जेपी सेंटर को बिकने नहीं देंगे। तो साफ तौर पर रविदास मल्होत्रा का कहना था कि जो है जेपी से जो सेंटर है यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव को आना था, लेकिन यहाँ पर जो है गेट पे ताला लगा होने के बाद उनको जो है गेट फांद कर जाना पड़ा। ये ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, ये जयप्रकाश निषाद इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पर जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो है बताया गया था सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उसमें ताला लगाया गया, वहाँ पर जाने की अनुमति अखिलेश यादव को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने यहाँ पर गेट को फांद कर वहाँ पर माल्यार्पण किया। साफ तौर पर अखिलेश यादव के समर्थन में सैकड़ों जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, यहां पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अखिलेश यादव माल्यार्पण कर अब यहां से जा चुके हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ यहां मौजूद रहे। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए विनाश। लखनऊ में जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर यहाँ पर अखिलेश यादव बैरिकेड को क्रॉस करके उस गेट में प्रवेश करके अब जयप्रकाश नारायण की माल्यार्पण करके यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी मौजूदगी उसी के बाहर है, ठीक पीछे की तस्वीरें, भारी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। खुद अखिलेश यादव उस रथ पर सवार होकर अब यहाँ से निकल रहे हैं। स्थिति इस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उनके समर्थन में पहुंचे थे, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेड और जो है गेट को फांद कर अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यहाँ से अब निकल रहे हैं। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए अविनाश। जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अविनाश। अविनाश, आपने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर तमाम सूरत हाल देखा, जरा एक बार विस्तार से बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों अखिलेश यादव यहाँ पर माल्यार्पण के लिए बजित थे और प्रशासन ने उनके एंट्री पर क्यों रोक लगा रखी थी? जी बिल्कुल कान्हा जी, देखिए यहाँ जेपीसी सेंटर जो इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पर उस वक्त जो है हलचल तेज हो गई जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्हें अंदर जाने से रोका गया, जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के
भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक जो है मौजूद हो गए और फिर अखिलेश यादव को जो है गेट फांद कर अंदर जो है जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करने जाना पड़ा। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पर जो है अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे माल्यार्पण करने, लेकिन उन्हें रोका गया। उसके बाद उन्होंने जो है गेट को फांद कर वहां पर वो अंदर पहुंचे। उसके साथ साथ हम आपको बताएं यहाँ पर भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस बल की यहाँ पर भी तैनाती की गई, जिसमें उनके समर्थकों को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव माल्यार्पण करने पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है सपा के जो है विधायक मध्य से रविदास मल्होत्रा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही जो अखिलेश यादव को अंदर जो है माल्यार्पण करने से जाने से रोका गया। समाजवाद के पुरोधा, संपूर्ण क्रांति के महानायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती थी और इस जेपी सेंटर का हम लोगों ने निर्माण करवाया था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के अंदर मूर्ति लगी हुई है, उनकी जयंती पर आज माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था, लेकिन भाजपा की सरकार ने दमन जुल्म और तानाशाही से हम लोगों को जाने से वहां पर रोका। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर हमने 20 मिनट लगातार जेल काटी है। आज जब यहाँ पर स्वाधीन पार्टी के राष्ट्रीय जी आए, उनको रोका गया तो वो गेट को फांद करके अंदर गए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायक, संपूर्ण क्रांति के महानायक, भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर जयंती के अवसर पर माला पहनाने से हम लोगों को रोकने का काम किया गया। हम लोगों ने आज नारा दिया है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और आज से 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव का शंखनाद हो गया है और जब तक 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार हटेगी नहीं, तब तक हमारा ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। तो साफ तौर पे आपने देखा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उनका यही कहना था कि आखिरकार जयप्रकाश प्रसाद के माल्यार्पण के लिए आखिर उनको जाने से रोका गया है, सरकार जो है इस पे ताला लगाना चाहती है, तमाम तरीके के आरोप जो है सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का कहना है। जी कहना ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ आरोप लगाया गया कि सरकार रोक रही है समाजवादी पार्टी को अपने जो सर्वमान्य नेता है उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रुके नहीं और अखिलेश यादव ने शासन प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण